में जब कांग्रेस के लोगों से मिले, जिसमें राहुल गांधी जी, उसी दिन शाम में वो अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले, बहुत पॉजिटिव मिले उनसे, उद्धव ठाकरे जी से। आपके न्यूज़ के लिए उन्होंने कहा कि आपका आना मेरे लिए अच्छा समय समय में, रातों रात तो सब कुछ होता नहीं। देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का मुहिम चला रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस मिशन पर जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके इस मिशन पर पानी फेरने का काम बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है उनके इस मिशन पर वार करने से। लेकिन जहां जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं और जिन जिन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी जा रहे हैं। संजय झा का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही सभी नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। पटना में ही मीटिंग की जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। ये मीटिंग कैसे की जाएगी, कब की जाएगी और कितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस मुहिम को आवाज मिल रही है, क्या नीतीश कुमार इस मुहिम में सफल हो पाएंगे या नहीं, जरा संजय झा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कह सकता हूँ कि जो मुहिम मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, पहले दिल्ली में जब कांग्रेस के लोगों से मिले, जिसमें राहुल गांधी जी भी थे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी थे, और उसके बाद जो कुछ भी तय हुआ और कुछ लोगों से मुख्यमंत्री जी को बात करना था, उसी दिन शाम में वो अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले, बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई। अगले दिन CPM और CPI के लेफ्ट के लोगों से दिल्ली में मिले, उसके बाद उनका जाना बंगाल रहा, उनका जाना UP में रहा, उनका जाना उड़ीसा में रहा, उनका जाना कल मुंबई में दोनों नेताओं से मिले, और जब मिले उनसे, उद्धव ठाकरे जी से, आपके न्यूज़ के लिए उन्होंने कहा कि आपका आना मेरे लिए अच्छा शगुन लेके आया, कि जजमेंट भी कोर्ट का उसी समय उनके पक्ष में आ गया। मुंबई गए, मिलते ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका आना हमारे लिए अच्छा शगुन लाया है, आज ही कोर्ट का जजमेंट जो आया है उसको भी देखिए, क्या जजमेंट कोर्ट ने दिया है, कैसे कोर्ट ने कहा कि जो व्हिप है वो गलत बनाया गया था, जिसको बनाया गया था सिंधे ग्रुप, कैसे गवर्नर का जो रोल रहा उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, तो वो रहा और सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है इस मुद्दे पर। आने वाले समय में रातों रात तो सब कुछ होता नहीं, लेकिन जो मूव नीतीश कुमार जी ने विपक्ष को 2024 के लिए एक मंच पर लाने का काम शुरू किया है वो तो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में। हाँ ठीक है, ठाकरे का हाल तो देख लिए, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा है ये ऑब्जर्वेशन तो देखिए, कोर्ट ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिए रहते और हाउस को फेस किए रहते तो आज कल उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई रहती, ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, कि जो व्हिप है वो जो ठाकरे साहब का व्हिप है उसको उन्होंने माना सही है, व्हिप गलत हुआ, जो जो बुला भी लिया गया तो सारा ऑब्जर्वेशन तो सामने में है जो कोर्ट का आया है। और बिहार में इतना मैं बता देता हूँ कि 2025 तक का मैंडेट है और सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। जो अगला स्टेप है अब यही था कि एक एक लोगों से मिलना, वो काम हो गया, सबकी सहमति भी लगभग है, तो एक साथ बैठे और फिर जो एक लार्जर व्यू तय होगा उसमें आप कब तक उम्मीद है, मेरे ख्याल से जल्दी ही ये मीटिंग हो जाएगी, एक बार ये कर्नाटक वाला रिजल्ट वगैरह सब सेटल कर जाता है उसके बाद डेट और जगह सब फाइनल। लोगों ने सुना कि संजय झा ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि अभी डेट निर्धारित नहीं की गई है कि कब मीटिंग की जाएगी, लेकिन मीटिंग जल्द की जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। अब इस पर देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से वार करती है और संजय झा के सवालों का जवाब देती है, क्योंकि संजय झा का तो कहना है कि मुख्यमंत्री जो रणनीति बनाए है वो रणनीति बेशक सफल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।